नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 10 अगस्त 2023 और यहां पर 11 अगस्त 2023 के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया है। उसके सारे लेवल बताऊंगा, सिलेक्शन रीजन के साथ समझाऊंगा क्यों खरीदना है, क्यों बेचना है, कहां पे टारगेट लगेगा, कहां स्टॉप लॉस लगेगा। पसंद आए जरूर फीडबैक करिए। टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। तो चलिए सबसे पहला स्टॉक समझेंगे और वो है आपके सामने में टेक महिंद्रा का। देखिए टेक महिंद्रा का स्टॉक अगर आप पिछले 31 तारीख से देखें, यानी कि पिछले 10 दिनों का अगर डेली का चार्ट देखेंगे, तो एक बार भी इसने रेड कैंडल नहीं बनाया। आप इसके चार्ट को देखिए 31 तारीख से, है ना, 31 जुलाई से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 दिन हो गए, सब कुछ इसमें हरा हरा दिख रहा है। लेकिन आज लास्ट टाइम में जाके एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में ये स्टॉक फंस गया है, इसके वजह से इसका सिलेक्शन है। और ये ध्यान रखें कि अगर इस एरिया के ऊपर जाता है तो हो सकता है कि आपको एक बार फिर से ग्रीन कैंडल में बनता हुआ दिखे, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस भी बनेंगे क्योंकि कंटिन्यू 10 दिन यार कर वीकेंड है, तो दोनों ही तरफ ध्यान आपको रखना है। इसलिए खरीदिए आप 1240 रुपए के ऊपर, बाय 1240, जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 1233 रुपए 1233 का, और जो टारगेट होगा पहला वो 1247 1247, दूसरा टारगेट 1254 1254 का, और तीसरा 1261 रुपए 1261 का। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग आ गया और तब तो यहाँ से गिरेगा तो हम सेल करेंगे। सेल का जो लेवल है, सेल बिलो 1232, 1232 के नीचे सेल करना है, और स्टॉप लॉस 1239 1239 का लेके चलेंगे, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1225 रुपए का 1225, दूसरा टारगेट 1218 1218, और तीसरा टारगेट 1211 1211 रुपए का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है, उसके बाद ही स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को अवॉइड कर दें। और शुरू के 5 मिनट में अगर जिस तरफ का टारगेट आ जाता है उधर ट्रेड नहीं करना है, उसके अपोजिट साइड के लेवल का फिर वेट करना है। ये पहला स्टॉक है टेक महिंद्रा। सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ता हूँ, सेकेंड स्टॉक भी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है मेटल सेक्टर का, जेएसडब्ल्यू स्टील। अब देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील को भी इसको डेली के चार्ट पे देखिए, जैसे टेक महिंद्रा को 15 मिनट पे देखा ना, तो इसको डेली पे देखना होगा। डेली के चार्ट पे क्या दिखा रहा है जेएसडब्ल्यू स्टील, कि एक बड़े समय का ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है फरवरी मंथ, आप समझिए जनवरी मंथ, जनवरी 2023 का एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था। आप इसको और भी पीछे की तरफ में लाएंगे तो आपको और भी पता चलेगा, आप इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से नीचे पकड़े और लेते चले आए, तो आप देखिए ये ट्रेंड लाइन पहले ये सपोर्ट का काम करता था, फिर इसके नीचे आया तो ये रेजिस्टेंस हो गया। तो जनवरी से ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त आ गया जहां पे अब जाके फाइनली इसके ऊपर सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है या पास में सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। तो आप बाय करिए जेएसडब्ल्यू स्टील को 835 के ब्रेकआउट पर, बाय 835, और स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हैं 829 रुपए का, जो टारगेट होगा पहला इस कंडीशन में 841 रुपए का, दूसरा टारगेट 847 रुपए का, और तीसरा 853 रुपए का। प्रॉफिट बुकिंग आया तो नीचे गिरेगा तो हम लोग सेल साइड में जाएंगे, सेल का लेवल होगा 825 के नीचे, सेल बिलो 825, जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 831 रुपए कर ले 831 का, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 819 पकड़ लीजिए, 819 का, दूसरा 813 813, और तीसरा 807 रुपए का। ये होगा सेकेंड स्टॉक जेएसडब्ल्यू स्टील। स्टील फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर आप अपना 50-70% क्वांटिटी बुक करें, बाकी का आप स्टॉप लॉस सेल करके चल सकते हैं। तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ बढ़ता हूं, वो भी बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर का, इंडसइंड बैंक। इसको भी आप डेली के चार्ट पे देखें, 15 मिनट के चार्ट पे हर समय आपको ये एक ब्रेकआउट करता हुआ नजर आएगा। आज बेहतरीन मूवमेंट दिया मार्केट की गिरावट में, इस स्टॉक ने खास पार्टिसिपेट नहीं किया, बहुत अच्छे तरीके से होल्ड किया। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये जो जुलाई मंथ का रेजिस्टेंस एरिया था 25 तारीख के आसपास का, फिर उसी को 27 को बनाया, फिर अब अगस्त में आके उसी जगह पे सस्टेन कर रहा है। तो अगर ये 3 बार का रेजिस्टेंस एरिया अगर ब्रेकआउट कर जाता है ऊपर के लेवल पे 1135 के ऊपर, तो बाय करेंगे, बाय 1135।
जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 1128 रुपए का, 1128 का, और जो टारगेट होगा पहला वो होगा 1142 1142, दूसरा टारगेट 1149 1149, और तीसरा 1156 1156 का। नीचे ब्रेक कर सकता है, मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग आया तो सेल साइड में जाएगा, तो सेल का लेवल होगा 1125 के नीचे, सेल बिलो 1125। जो स्टॉप लॉस होगा 1132 1132 का, और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1118 1118 रुपए का, दूसरा टारगेट हुआ 1111 1111, और तीसरा टारगेट है 1104 1104 रुपए का। तो दोस्तों ये तीन स्टॉक्स है 11 अगस्त 2023 यानी कि फ्राइडे वीकेंड के लिए। पसंद आया हो तो जरूर फीडबैक करें, टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।